तो आजकल इंस्टाग्राम टिकटॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा इस तरह की वीडियो ट्रेंडिंग पे जा रही है। तो अगर आप भी इस तरह की वीडियोस को बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर बिल्कुल फ्री में, तो वो आप लोग कैसे बना सकते हैं आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे ये एक एप्लीकेशन मैंने ओपन की हुई है, तो आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा ये कौन सी एप्लीकेशन है, इसको आपने कैसे और कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो आप लोगों ने जब इस एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आपने अपनी जीमेल से इस एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन कर लेना, और उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे AI फिल्टर्स फ्री में मिल जाते हैं। आपको जो भी फिल्टर यहाँ पे क्रिएट करना है, अपनी वीडियो क्रिएट करनी है, वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करके क्रिएट कर लेनी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो इस वीडियो के स्टार्ट में एक आपको वीडियो क्लिप दिखाया था, तो आप उस तरह की वीडियो कैसे बनाएंगे, तो आपको नीचे टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, आपने टेम्पलेट के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग फिल्टर्स मिल जाते हैं, तो आपको फर्स्ट नंबर पर जो फिल्टर मिलता है आपने इसी को सिलेक्ट करके अपनी वीडियो क्रिएट करनी है। तो नीचे आपको यूज टेम्पलेट का ऑप्शन मिलता है, तो आपने यूज टेम्पलेट के ऊपर टाइप करना है। तो यहाँ पे आपके मोबाइल फोन की गैलरी ओपन होगी, तो यहाँ से आपने 4 फोटोज को सिलेक्ट करना है। जैसा कि नीचे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपने 4 फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के ऊपर टाइप करना है, तो यहाँ पे एक लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। तो यहाँ पे आपकी वीडियो बन जाएगी, तो यहाँ पे मैं प्ले पे टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से वीडियो बन चुकी है, और आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है प्लस का। तो अगर आप मजीद और भी फोटोज को ऐड करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, आपने एक्सपोर्ट पे टैप करके यहाँ पे सेव पे टैप करना है, और आपकी वीडियो आपके मोबाइल फोन के अंदर सेव हो जाएगी। तो आप दोस्तों जान लेते हैं कि ये कौन सी एप्लीकेशन है, इसको आपने कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। तो आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है और सर्च बार पे टाइप करना है वीडियो लैब। तो जब ये लिख के सर्च करते हैं तो नीचे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाती है, आपने इस एप्लीकेशन पे टाइप करना है और यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है।